चेतना, चेतना, ये चेतना कहां चली गई? कैसा रहेगा? की बारात दरवाजे पे आई और मैंने उसके रिश्तेदारों को देखा और मैंने सर पकड़ लिया और मैं तभी समझ गया कि भाई हमने अपनी लड़की फकीरों में दे दी है। अरे पता ही नहीं चला कि उसके पापा किसका सूट पहनकर आए थे। मेरी मौसी को तो यकीन ही नहीं हुआ कि ये दूल्हे के पापा हैं। माँ पापा एक बात बताऊं, आलोक ने जो भी कंजूसी सीखे ना अपने पिताजी से सीखे। मेरे ससुर जी ने अपनी भांजी की शादी में 5 साल पहले एक सूट सिलाया था। बस हर शादी में वही पहन के चले जाते हैं उसको पोछ पाछ के। वही काला वाला ना। अरे आलोक बेटा आओ बैठो बैठो। जी हम किस बात पे हंस रहे थे आप लोग? कुछ नहीं, बस हम सब मिलके तुम्हारी टांग खींच रहे थे। अरे बेटा ऐसा कुछ नहीं है, हम तो बस तुम्हारे बाबूजी को याद कर रहे थे। कैसे हैं तुम्हारे पिताजी? ठीक है। अच्छा वैसे उनका जन्मदिन आने वाला है ना, आपको याद है? अरे हाँ क्यों नहीं। हाँ तो मैं सोच रहा था कि इस साल ना उन्हें एक नया सूट गिफ्ट करो, कैसा रहेगा? हाँ वेरी गुड। चेतना आज खाने में क्या बनाया है? खाने में तो कुछ नहीं बनाया। कुछ नहीं तो मम्मी पापा क्या खाएंगे? मैंने सोचा कि मम्मी पापा आए हुए तो बाजार से चाइनीज ऑर्डर करें। तो थोड़ा तुम बाहर आओ, तुमसे कुछ बात करनी है। आज बहुत दिनों में चाइनीज खाने को मिलेगा। क्या हो गया है? देखो इतना महीने का एंड चल रहा है और हमारा बजट भी बहुत टाइट है और तुम हमेशा की तरह शॉपिंग भी कर चुकी हो इतनी सारी, तो प्लीज प्लीज खाना घर पे बना लो। ये क्या बात है आलोक, तुमने तो मेरा मजाक बना दिया है। धीरे बोलो चेतना, जबरदस्ती का सीन बनाना बंद करो। माँ देखो ना, ये आलोक ने मेरी पूरी जिंदगी बर्बाद कर दी है। माँ ये चाहता है ना मैं जिंदगी जीना ही छोड़ दूँ और बस इसके गुलाम बन के रहूँ। सब बातों का क्या मतलब है? क्या मतलब है? मतलब है ना, अगर मुझे कोई परेशानी हो किसी बात से भी तो मैं तुम्हें कुछ ना बोलूं। अच्छा ये बताओ हम हनीमून पे कहाँ गए थे? शिमला गए थे। हाँ शिमला गए थे, मुझे जाना था मालदीव और तुम मुझे अपना रोना धोना दिखा के शिमला लेके गए थे। मुझे ना
तभी समझ जाना चाहिए था माँ कि मेरी पूरी जिंदगी मुसीबत में पड़ने वाली है। माँ पता है ये चाहता है कि मैं बस इस किचन में पड़ी रहूं और इनकी सेवा करूं। कैसी बातें कर रही हो? सही कर रही हो। बात का पता नहीं, मत बनाओ चेतना। आलोक, ये क्या तरीका है बात करने का? सॉरी पापा। अच्छा, 25 अप्रैल याद है तुम्हें? जी, मैंने पूछा 25 अप्रैल याद है तुम्हें? जी याद है, आप हमेशा याद दिलाते रहते हैं। अच्छा, तो क्या हुआ था 25 अप्रैल वाले दिन? उस दिन मैंने आपसे चेतना का हाथ मांगा था। अच्छा, और तुमने कुछ वादा भी किया था, वो क्या था वो बताओ। यही कि चेतना की सारी जरूरतें पूरी करूंगा। और इसे दुनिया की हर खुशी दूंगा। और इसे हमेशा हमेशा खुश रखूंगा। ये तुम्हें खुश नजर आ रही? मैंने पूछा ये तुम्हें खुश नजर आ रही है? Come on, speak up. अच्छा, सॉरी चेतना, मैं अभी खाना ऑर्डर कर देता हूँ। एक सेकेंड। और सुनो, आइसक्रीम ऑर्डर करना मत भूलना, चॉकलेट फ्लेवर वाली। कंजूस कहीं के? चलो डाली। अरे कल तो तुम दोनों की पहली मैरिज एनिवर्सरी है ना? हालुक जी, क्या सरप्राइज गिफ्ट है मेरी बेटी के लिए? माँ, ये तो मुझे कोई सरप्राइज देने से रहे, मैंने खुद ने अपना गिफ्ट सोच लिया है। दिखाती हूँ आपको, देखो। वाह, अरे आलो, मुझे ये चाहिए, डायमंड नेकलेस। क्या बेटा, पानी? नहीं, इट्स ओके, मिल जाए। सच? थैंक यू। देखा आप दोनों ने, मेरा आलोक उतना भी बुरा नहीं है जितना आप दोनों सोचते हो। हार के लिए पैसे कहां से लाऊंगा? ये चेतना तो मेरी कोई मजबूरी नहीं समझती। मैं काम करता हूँ, ऑफिस से एडवांस ले लेता हूँ, वरना चेतना और इसकी फैमिली ये ताने मार मार कर मेरी जान ले लेंगे। मैं थक गया हूं। आलोक, हमारी शादी को बस एक साल हुआ है, मुझे तो लगने लगा है तुम्हारा मुझ में कोई इंटरेस्ट नहीं रहा। चेतना, तुम्हें शिकायत के सिवा कुछ और आता भी है? तुम हमेशा शिकायत का मौका ही क्यों देते हो? हाँ, तुम्हें क्या लगता है कि मैं ना समझूं? बस करो चेतना। क्या बस करो आलोक, तुम में ना सच सुनने की हिम्मत ही नहीं है, और सच ये है कि तुम मुझसे उब गए हो। मुझे तुम्हारा भीख वाला प्यार नहीं चाहिए।
चेतना, चेतना जल्दी करो, मुझे लेट हो रहा है। आई बाबा। ये ले तुम्हारा टिफिन, और आज ऑफिस से जल्दी आना, याद है ना? आज मुझे नेकलेस दिलाने ले जाना है। क्या हुआ? कुछ नहीं। आलोक कहाँ पहुँचे? सर ऑफिस के गेट के बाहर। दरअसल मुझे तुमसे एक ज़रूरी बात करनी है। जी सर कहिए। तुम्हें तो पता ही है ना कि हमारी कंपनी पिछले कुछ समय से लॉस में चल रही है, इसलिए टॉप मैनेजमेंट ने 50% स्टाफ को निकालने का फैसला किया है, और अनफॉर्चुनेटली तुम भी उन्हीं स्टाफ में से एक हो। सर सर प्लीज सर, मैं कहाँ जाऊँगा? सर ऐसा मत करिए। आई एम सो सॉरी आलोक, मेरे हाथ में कुछ भी नहीं है। मैं भी तुम्हारी तरह इस कंपनी में एम्प्लॉय हूँ। क्या पता अगला नंबर मेरा हो। लेकिन तुम उम्मीद मत खोना, अगर तुम्हें अगली जॉब के लिए मेरी रिकमेंडेशन की जरूरत पड़े तो मुझे जरूर बताना। यू टेक केयर आलोक। वहाँ कहाँ से लाऊंगा? चेतना तो मेरी मजबूरी समझेगी नहीं, उल्टा उसके उसके माँ बाप मेरी मेरी बेइज्जती करेंगे सबके सामने। कितना हुआ दादा? जॉब ऑफर से मेरा काम बन सकता है। हेलो। हेलो जी, आप कामिनी जी बोल रहे हैं? हाँ जी। एक्चुअली मैंने आपका एक जॉब ऑफर देखा था। इसके लिए तुम्हें एक इंटरव्यू पास करना होगा। जी जी कामिनी जी, मैं उसी जॉब के लिए अप्लाई करना चाहता हूँ। अभी आ जाओ। जी बताइए कब और कहाँ आना है। मैं तुम्हें एड्रेस भेज रही हूँ। ओके शुक्रिया। अच्छा तो तुम्हारा वर्क एक्सपीरियंस क्या है? एक्चुअली मैं एक सॉफ्टवेयर इंजीनियर हूँ, मतलब था, पर मार्केट डाउन होने की वजह से मुझे जॉब से निकाल दिया। चलो अच्छा ही हुआ। क्या मतलब? मेरा मतलब है कि अगर तुम्हारी जॉब नहीं जाती तो तुम मुझसे कैसे मिलते, और तुम्हें देख के लगता है कि तुम इसी जॉब के लिए बने हो। थैंक यू, पर काम क्या होगा? मैं एक कस्टमर सर्विस एजेंसी चलाती हूँ। मतलब कॉल सेंटर, जहाँ पर हम कस्टमर्स को कॉल करके सामान बेचते हैं। हाँ कुछ ऐसे समझ लो। तो कौन सा सामान बेचते हैं? अपने शरीर को। क्या मतलब? एक्चुअली मैं एक मेल एस्कॉर्ट एजेंसी चलाती हूँ, जहाँ
तुम जैसे हसीन मर्द तन्हा औरतों की तन्हाई दूर करते हैं और उनके साथ कुछ खूबसूरत से पल बिताते हैं। तुम सच क्यों नहीं कहती कि तुम मजबूर आदमियों का फायदा उठाती हो? लेकिन एक बात सुन लो, मैं ऐसा आदमी नहीं हूं जो पैसे के लिए अपना ईमान बेच दे। सोच लो, इससे ज्यादा मजेदार और आसान जॉब तुम्हें कहीं नहीं मिलेगी, और मैं तो तुम्हें एडवांस देने के लिए भी तैयार हूं। वैसे मैं किसी को एडवांस नहीं देती, मैं तुम्हारी मदद करना चाहती। पर क्यों? क्योंकि तुम मुझे पसंद आ गए, तो बोलो मेरे लिए काम करोगे? सोच समझ के जवाब देना, क्योंकि मैं दोबारा मौका नहीं दूंगी। मुझे ये चाहिए डायमंड नेकलेस। तुमने कुछ वादा भी किया था, वो क्या था वो बताओ। यही कि चेतना की सारी जरूरतें पूरी करूंगा। हाँ, मैं तुम्हारे लिए काम करूंगा। ये हुई ना बात, लेकिन इससे पहले तुम्हें एक टेस्ट पास करना होगा। कौन सा टेस्ट? तुम्हें मुझे खुश करना होगा, मंजूर है? मंजूर। तू मर्द है भी या नहीं? तुम तो सच में कमाल के हो। ये लो पूरे 50,000 और ये रखो, आज से मैं तुम्हें इस फोन में कॉन्टेक्ट करूंगी। अब तुम घर जाओ और मेरे फोन का इंतजार कर। मैं फोन नहीं उठा रहा था ताकि तुम्हें सरप्राइज दे सकूं।
ये रहा मेरे प्यारे से बीवी के लिए एक प्यारा सा तोहफा। ओह माय गॉड, कितना प्यारा है ये। माँ बहुत सुंदर है। बहुत प्यारा है। थैंक यू सो मच। तुम्हें आज ऑफिस नहीं जाना है क्या? वो दरअसल अब ऑफिस का सारा काम मैं घर पे करूंगा, यू नो वर्क फ्रॉम होम। अच्छा तो फिर मोबाइल पे गेम क्यों खेल रहे हो? अब घर पर रहने का यही तो फायदा है, जब मर्जी हो तब काम करो। ये कौन सा फोन है? अरे ये एक्चुअली ऑफिस से मिला है, ऑफिस के काम के लिए। मैं एक सेकंड आया। हेलो। गुड मॉर्निंग हैंडसम। गुड मॉर्निंग। अच्छा सुनो, अब जल्दी से मेरे घर आ जाओ, एक क्लाइंट तुम्हारा इंतजार कर रही है। ओके ओके आता हूँ। ठीक है बाय। किससे बात कर रहे थे? वो ऑफिस से फोन था। ऑफिस जाना है मुझे। ऑफिस क्यों? तुम तो बोल रहे थे कि घर से काम करोगे। एक मीटिंग आई हुई है और वो मीटिंग अटेंड करने के लिए ऑफिस जाना पड़ेगा। अच्छा सुनो, मुझे ना कुछ पैसे चाहिए। एक्चुअली मुझे नई ड्रेस खरीदना है। इतने सारे पैसे? इतने पैसे कहाँ से आए तुम्हारे पास? कल तो बड़ा पैसे के लिए रोना रो रहे थे। हाँ वो कल ऑफिस से एडवांस लिया था मैंने तुम्हारे नेकलेस के लिए। वही पैसे। ये है तुम्हारी नई क्लाइंट आयशा। घबराओ मत, इसे तुम्हारा प्यार चाहिए। जाओ इसे अपने आगोश में भर लो और अपना बना लो। टेंट लोगी? हाँ। कुछ बताओ अपने बारे में। मैं यहाँ अक्सर आती हूँ क्योंकि बहुत अकेला महसूस करती हूँ। तुम्हारी शादी हो चुकी है? हाँ सिर्फ नाम के लिए, क्योंकि मेरा पति अब मुझे प्यार नहीं करता। उसकी कई औरतों के साथ रिश्ते हैं। मुझे तो ये भी याद नहीं है कि उसने आखिरी बार प्यार से मुझे कब देखा था। आज तुम अकेली नहीं, मैं हूं तुम्हारे साथ। Thank you.
अब तुम रिलैक्स करो और मुझे तुम पर अपना जादू चला। कुछ तो बात है तुम्हें। आलोक, एक क्लाइंट आई है, आ जाओ। चेतना, चेतना। हाँ बोलो। ये लो, तुम्हारे लिए नया फोन। थैंक यू सो मच। पापा, ये आलोक कहाँ रह गया? अभी तक नहीं आया।
अरे लो आ गया। अरे आलोक बेटा कहाँ थे तुम अब तक? कब से इंतजार कर रहे हैं हम सब तुम्हारा डिनर पर? अरे क्या हो गया आलोक, चेतना तो कह रही थी तुम एक डेढ़ घंटे का भूल के गए हो, तुमने तो पूरा दिन लगा दिया, कहाँ थे भाई? पापा क्या है ना, वो ऑफिस है आपकी दुकान नहीं, कि जब मन चाहा शटर गिराया और घर आ गए। आलोक मैंने आज पालक पनीर बनाया है, तो तुम फ्रेश होके आ जाओ, हम सब साथ में खाते हैं। क्यों आज बाहर से खाना नहीं मंगाना? नहीं। एक काम करिए आप लोग खाना खाइए, मैं बाहर से खा के आया हूँ, मैं सोने जाता हूँ। करो चेतना, मेरा मूड नहीं है। आलोक तुम मुझसे दूर क्यों होते जा रहे हो? तुम्हें शिकायत के अलावा और कुछ नहीं आता। जान तुम्हें क्या हो गया है? पहले तो तुम ऐसे नहीं थे। हर इंसान हमेशा एक जैसा नहीं रहता, जिंदगी के थप्पड़े उसे बदल देते। ऐसा क्यों बोल रहे हो? मुझे तो मेरा पुराना वाला आलोक चाहिए, जो मेरे लिए कुछ भी कर गुजरने को तैयार रहता था। ऐसा नहीं हो सकता। क्यों बोल रहे हो आलोक? क्योंकि पुराना वाला आलोक खो चुका है और अब जो तुम्हारे सामने है वो सुनना नहीं सुनाना जानता है। मुझे कोई फर्क नहीं पड़ता कि कोई मेरे बारे में क्या सोचता है। मेरी किसी भी बात से तुम्हें हर्ट हुआ है तो मैं तुम्हें उसके लिए सॉरी बोलती हूँ, प्लीज मुझसे ऐसे बात मत करो। चेतना मेरे पास तुमसे बहस करने का टाइम नहीं है, तुम जाओ अपने नए वाले फोन में ऑनलाइन शॉपिंग करो। इस वक्त कौन आ गया? थैंक गॉड तुम उठ गए, तुम जल्दी से फ्रेश होके बाहर आ जाओ, मेरी एक फ्रेंड आई है तुमसे मिलना चाहती है। चलो मैं फ्रेश होके आता हूँ। इनसे मिलो, ये मेरी कॉलेज की बेस्ट फ्रेंड है। हाय। तुम लोग खड़े क्यों? बैठो ना। नहीं, इट्स ओके, ठीक है। वैसे आपकी शक्ल कुछ जानी पहचानी सी लग रही है मुझे। पर हम तो पहली बार मिले हैं। वैसे काम क्या करते हैं आप? वो काम से आ गया। अच्छा तो मुझे कुछ काम है, मैं
काम करके आता हूँ। ठीक है चले जाइएगा, लेकिन मेरे सवाल का जवाब तो देते जाइए। मैं एक सॉफ्टवेयर कंपनी में काम करता हूँ। चेतना मैं काम करके आता हूँ ऑफिस। सॉरी यार, ये ना आजकल बहुत मूडी हो गए। कोई बात नहीं, जीजू से मिलिए, यही काफी है मेरे लिए। ये आयशा मेरे घर तक कैसे पहुंच गई? आयशा तुम यहाँ क्या कर रही हो? मैं तो तुम्हें हेलो बोलने आई हूँ। आयशा तुम जाओ यहाँ से, चेतना आ गई तो गड़बड़ हो जाएगी। पता है मुझे, लेकिन क्या करूं, हमारी उस मुलाकात के बाद मैं हर वक्त तुम्हारे बारे में सोचती रहती हूँ। क्या पागलपन है आयशा, तू प्लीज जाओ यहाँ से, चेतना चेतना कभी भी आ सकती है। जब से तुम्हें देखा है मेरे दिमाग ने काम करना बंद कर दिया, मुझे तुम्हारी जरूरत है। ये क्या पागलपन है आयशा? हाँ मैं तुम्हारे लिए पागल हो गई हूँ, मुझे अपनी बाहों में भर लो। आयशा प्लीज चेतना, तुम समझने की कोशिश क्यों नहीं करती? ये चेतना अगर आ गई ना सब बर्बाद हो जाएगा। अगर तुमने मेरी बात नहीं मानी ना तो मैं तुम्हारी सच्चाई चेतना को बता दूंगी। ये हुई ना बात। मैं पुराना वाला आलोक नहीं रहा जिसे लोग इस्तेमाल करते हो, अब मैं लोगों को इस्तेमाल करता हूं। ये तुमने अच्छा नहीं किया, मैं तुम्हें कहीं का नहीं छोड़ूंगी। तो तुम मुझे बदनाम करोगी? ये मत भूलो कि तुम्हारी वीडियोस और फोटोज हैं मेरे पास। अगर तुमने मुझे बर्बाद करने की कोशिश की तो मैं तुम्हारी जिंदगी बर्बाद कर दूंगा। अब खड़े खड़े मेरा मुंह क्या देख रही हो? जाओ निकलो यहां से। इस वक्त क्यों फोन कर रही है? हेलो हेलो आलोक, एक नई क्लाइंट ने बुकिंग की है, तुम जल्दी आ जाओ। काम नहीं आज रहने देते हैं, मेरी तबीयत कुछ ठीक नहीं है। देखो आलोक, हाथ आए पैसे को ना नहीं कहते, समझे? आ जाओ। ठीक है मैं आता हूँ। आज ऑफिस में एक मीटिंग है तो शायद मुझे वहां जाना पड़े। ठीक है कोई बात नहीं, मैं भी अभी शॉपिंग पे जा रही हूँ। ठीक तुम यहां बैठो, तुम्हारी क्लाइंट तुमसे मिलने के लिए तड़प रही है। कौन है क्लाइंट? एक पति के प्यार से महरूम एक पति। तुम बैठो, वो गेस्ट रूम में मिल के आती हूँ।
आलोक मिलो अपने नए क्लाइंट से। आलोक चेतना तुम यहां क्या कर रही हो? यही सवाल मैं तुमसे पूछ सकती हूँ ना, तुम यहां क्या कर रहे हो? मैं बताती हूँ, उस दिन जब तुमने मुझे थप्पड़ मारा, मैंने उसी वक्त ये फैसला कर लिया था कि तुम्हारी सच्चाई तुम्हारी पत्नी के सामने मैं लाकर रहूंगी। चौंको मत चेतना, मैं तुम्हारी पति की सर्विस ले चुकी हूँ और उस रात मैं इसी से मिलने गई थी। मेरे और आलोक के बीच कुछ भी ठीक नहीं चल रहा है। क्यों, क्या हुआ? कुछ नहीं, रहने दो। ना, मैं तुम्हारी दोस्त हूँ और तुम अपनी तकलीफें अपनी दोस्त को नहीं बताओगी तो किसे बताओगी? दरअसल आलोक कुछ समय से मुझसे बहुत दूर रहने लगे, मानो उनको मुझ में और हमारी शादी में कोई इंटरेस्ट ही ना रहा हो। ये मर्द ना ऐसे ही होते हैं, लेकिन तुम टेंशन ना लो, हो सकता है ऑफिस के काम की वजह से टेंशन में हो। पर मैं मेरी जिंदगी का क्या करूं जो ऐसे घुट घुट के जी रही हूँ? चेतना, उसकी तो तुम बिल्कुल फिक्र मत करो, तुम्हारी लाइफ में ना थोड़े से मसाले की जरूरत है। मसाला मतलब? मतलब ये कि कल मैं तुम्हें एक ऐसी जगह पे लेके चलूंगी जहां पे तुम अपना सारा अकेलापन भूल जाओगी। ना बाबा, मुझे ऐसी कोई जगह पे नहीं जाना है। मौन चेतना, मेरा यकीन मानो, कल का दिन तुम बिल्कुल नहीं भूलोगी। ठीक है, चलती हूँ। ये हुई ना बात, कल रेडी रहना। हाँ। उस दिन तुम्हारा थप्पड़ खाने के बावजूद भी मैंने खुद को काबू में रखा और तुम्हारी जड़ खोदने का मौका ढूंढने लगी। तभी मुझे चेतना ने ये बताया कि तुम्हारी सच्चाई क्या है और मैं चेतना को यहाँ लेकर आ गई ताकि मैं तुम्हारा पर्दाफाश कर सकूं। जरा सी भी गैरत बाकी है या नहीं? हाँ, नहीं बची मुझ में कोई गैरत, क्योंकि वो तुम और तुम्हारे परिवार वाले बहुत पहले ही मार चुके। मेरी मजबूरी का मजाक उड़ाते थे ना तुम लोग। मैंने कितनी बार चाहा कि तुम्हें अपनी अपने परेशानी बता सकूं, अपने जज्बात बता सकूं, ताकि मुझे तुम्हारा साथ चाहिए था। पर तुम्हारे लिए तुम्हारे पति से ज्यादा वो चमकती हुई बेजान बेजान चीजें मायने रखती हैं। मैं टूट चुका था अंदर से और तुमसे कुछ कह भी नहीं पा रहा था, और इसी बीच मेरी नौकरी चली गई और मैं चाहकर भी तुम्हें अपनी मजबूरी नहीं बता पाया, क्योंकि मैं जानता था तुम्हें मुझसे ज्यादा मेरी आमदनी की फिक्र है, और इसीलिए मैंने ये काम करना शुरू किया ताकि मैं तुम्हारी पैसे की भूख मिटा सकूं। और शायद मैंने तुम्हारे पैसे की भूख मिटाई, लेकिन तुम्हारे शरीर की भूख नहीं मिटा पाया। इसीलिए तुम अपने पति के होते हुए आज यहां पर किसी गैर मर्द के साथ मुंह काला कराने चली आई। बड़े पति बने फिरते हो, अरे तुम तो अपनी पत्नी तक को खुश नहीं रख पाए। सारी मुसीबत की जड़ तुम ही हो, मैं तुम्हें नहीं छोड़ूंगा। आलोक, तुम क्लाइंट से बात नहीं कर सकते। तुम चुप करो कामिनी, ये मेरा पर्सनल मैटर है और मैं तुझे नहीं छोड़ूंगा। हटो। नहीं छोड़ूंगा, चेतना 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 उठो उठो चेतना।
मुझे माफ कर दो, प्लीज मुझे माफ कर दो। तुम्हारे जज्बातों को नहीं समझ पाए। तुम अक्सर मुझसे कहा करते थे ना कि मैं तुम्हारी परवाह नहीं करती, और ये सच है। मैं खुद गर्जी में इतनी अंधी हो गई थी कि मैं तुम्हारे अलावा उन बेजान चीजों को चाहने लगी, और फिर भी मैंने तुम्हारी परवाह नहीं की। काश कि मैं तुम्हारा मोल समझ पाती, हम दोनों के बीच की हर बातों को उसे बैठ के साथ में शेयर कर पाते, तो आज तुम मुझसे दूर नहीं होते आलम।